मतलब ये दोनों इतने तेज हैं, पिता मुझसे ही कटवा दिया। कल रात को मेरे पास कॉल आया इरफान खान का, वही डाकू पान सिंह तोमर। अबे क्या कर रहे हो बे, सो रहे हो क्या? अबे कान खोल लो, दिमाग में डाल लो, जब पान सिंह तोमर का गैंग और आके रहेगा, और बोलो हाँ, और बोलो हाँ। और मैंने हाँ बोल दिया भैया, अब 200-250 लोग और आने वाले ना, देख लेना। अच्छा मैं दिल्ली से हूं, आप में से कुछ लोग दिल्ली से हैं? अरे बाबा दिल्ली आम चीज माइला, ठीक है। अच्छा मैं छोटा था 10-12 साल का, तो मुझे मौका मिला मतलब पेरेंट्स के साथ जाने का, स्टार नाइट बड़ी होती है दिल्ली में, तो वहां आ रखे थे शक्ति के ऊपर साहब, आओ शक्ति। तो उन्होंने एक जोक सुनाया था जो मेरे दिल पे ना बड़ा गहरा लगाया, आज तक मतलब मैं वो जोक भूल नहीं पाया हूं, और वो ऐसा था, उन्हीं के बाद में सुना देता हूं। एक आदमी दूसरा आदमी से पूछता है कि भाई साहब आपका नाम क्या है? तो पहला आदमी बोलता है कि मेरा नाम होला है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि भाई साहब आपका नाम होला क्यों है, क्यों है? तो पहला आदमी बोलता है क्योंकि मैं होली के दिन पैदा हुआ था। तो दूसरा आदमी बोलता है शुक्र भाई साहब आप लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुए, आओ शक्ति। अच्छा आया, आ रहा धीरे धीरे आएगा, आओ। अच्छा आपने 90s 80s में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो देखा होगा, 90s में 80s में था, हमारे घर पे भी वो टीवी था, जो ना ऐसे बाहर शटर लगाकर बंद होता था, उसकी छोटी चाबी होती थी, मदर अपने पास रख लेती थी, क्या मतलब कोई न्यूज आएगी, एजुकेशनल प्रोग्राम आएगा तभी खोलेंगे। और लेकिन वो स्केल से, खाने की प्लेट से, नाखून से, इवन फूक मारने से भी खुल जाता था। माँ तो भोली होती है ना, हम सब 4-5 भाई बहन थे। अच्छा उस टीवी में रिमोट नहीं था, लेकिन टीवी की खास बात यह थी चलते चलते वो कभी भी बंद हो जाता था, तो हम सब चप्पल लेकर बैठा करते थे, एक एक मतलब नंबर वाइज बंद हुआ ले तेरी दिल्ली वाला। अच्छा ये जो टीवी था ये चलता था एंटीना के कनेक्शन से, एंटीना होता था छत पर, जिसका सबसे डंडा लंबा उतना बड़ा वो जाल एल्यूमिनियम का, उतना ही अच्छा कनेक्शन। हमें पहली बार पता चला कि 4-5 भाई बहन होने का फायदा क्या होता है, टीम वर्क किसे कहते हैं। जब सिग्नल जाता था एक भाई टीवी पे आगे, एक खिड़की पे, अबे घुमा एक ऊपर घुमा रहा एंटीना, अबे चूतिया घुमा, पिंकी और ताऊ के घर के बीच में एंगल दे, आ गया। अच्छा एंटीना बड़ा हरामी था, ये उड़ती हुई पतंगें कैच कर लेता था, मतलब अगर किसी की पतंग उड़ रही है 10 मीटर के दायरे में और अगर एंटीना के वहां आ गई तो कैच होगी, तो पहली रस्सी तोड़ देता, छोड़ यार अब नहीं उड़ा पाएंगे। उससे ज्यादा ये साथ के 5-स्टार होटल से सिग्नल पकड़ता था अच्छी फिल्मों के, मतलब एक दो सीन देखने को। तो एक बार हमारे मामा जी आए हुए थे। अच्छा मामा जी का क्या है कि मामा जी अभी लगता भाई मामा है वो दिल्ली वाला, मैं फुटबॉल खेल कर आया पसीनों में था, मैंने ऐसे हटा के देखा पर्दा, अबे चल क्या रहा अंदर, देखा तो क्लाइमेक्स सीन चालू, मामा देख रहा है। मैंने कहा भाई भाग भैंचोद, ऊपर भागा मैं और एंटीना पूरा घुमाया, अभी नीचे आया, नीचे मामा जी लगा क्लाइमेक्स बिगाड़ दिया। अरे मैंने कहा मामा जी क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, समाचार आ रहे थे चले गए। अच्छा उन दिनों में हफ्ते में एक मूवी आती थी जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते थे, मतलब यार मूवी आएगी देखेंगे। अब सोचो गोलमाल चल रही है, उत्पल दत्त साहब लगे हुए मूछों वाला वो अमोल पालेकर के साथ, बेटा मूछों के भी कोई आदमी होता है राम प्रसाद, तुम तो कितने अच्छे आदमी हो, और एक तुम्हारा भाई लक्ष्मण प्रसाद है। हाँ एक्चुअली मास्टर जी मैं तो इधर से गुजर रहा था, राधा को तानपुरा मैं ही सिखाऊंगा, लक्ष्मण प्रसाद नहीं आएगा। ठीक क्या बेटा,
तुम्हारी देख रेख में बड़ी हो जाएगी मेरी दादा। अच्छा जब ये मूवीज आती थी, बहुत प्रैक्टिकल चीज हो रही है, वो जब मूवीज आती थी तो बीच में आता था एजुकेशनल प्रोग्राम जिसे कहते थे कृषि दर्शन, और उसमें हमारे हरियाणा के भाई बैठे होते थे। अच्छा हरियाणा का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा का आदमी पहलवानी करेगा, या मतलब जो गाड़ी है वो स्कॉर्पियो ही चलाएगा, वो ही सफेद कपड़े पहन के। अच्छा ये लोग बड़े शरीफ होते हैं, ये लोग स्पेस में नहीं जा सकते, स्पेस में स्कॉर्पियो नहीं जाती ना। अच्छा जब दारू पी लेते हैं बोलते भाई यार भाई तेरा गाड़ी चलाएगा, और गाड़ी से उतर कर चौकीदार को बोलते हैं यार डंडा तुम्हार शीटी मैं बजाऊंगा। अच्छा ये हरियाणा के भाई क्या करते थे उसमें प्रोग्राम में बैठ करके, इस बार गन्ने की फसल जो है कम हुई है, बारिश कम पड़ी है भाइयों, यूरिया देना होगा मतलब। और उसके बाद उसी प्रोग्राम में बाद में मौसम की जानकारी भी देते थे, और मौसम की जानकारी में हरियाणा का आदमी खड़ा है कंबल ओढ़ के लाठी हाथ में लेके, भाई बादल जो है हरियाणा से निकल गए हैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, और रुक गई तो बारिश हो जाएगी नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई बादल ना हो गए, कोई हरियाणा रोडवेज की बस हो गई, मतलब बादल बस में बैठ गए अभी दिल्ली में उतर जाएंगे तो बारिश होगी, वरना बारिश नहीं होगी। वही हम करते थे इंतजार बीबीसी की न्यूज रीडर का वेदर रिपोर्ट के लिए, और जब वो मतलब एक सीन आ जाता था मतलब क्लाउड्स क्लाउड्स ऑन द टॉप ऑफ हरियाणा मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली, इफ दे स्टॉप इन दिल्ली रेन में पो, अब चाहे बारिश हो या ना हो भाई हमारा तो मौसम बन जाता था। सारी कहानी सीन पर टिकी हुई थी, मतलब इंग्लिश मूवीज आती थी घर वाले कहते थे बेटा इंग्लिश मूवी देखो इंग्लिश उधर जाएगी, हम कहते थे भाई सीन कितने हैं मूवी में, मतलब आईएमडी की रेटिंग एक तरफ हमारी रेटिंग एक तरफ। हमारी क्लास में पढ़ता था धप्पू, वो हर बार लेट पहुंचता था पिक्चर हॉल में, अगर वो 10-15 मिनट लेट पहुंचा चार पांच सीन की मूवी से दो तीन सीन निकल गए तो वो टिकट फाड़ के फेंक के और चला जाता था। तो ये अच्छा आजकल के बच्चे देखो, एक दो बच्चे हैं या तीन चार बच्चे भी एक रूम में बैठे हैं, कोई आईपैड पे लगा है कोई मोबाइल पे लगा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। भाई साहब हमारे टाइम में एक दो बच्चे भी घर के अंदर होते थे ना तो मतलब उधम, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है, कोई कैरम पे लड़ रहा है, कोई घर में घर घर खेल रहा है, मतलब समझ रहे हो। अच्छा ये बच्चे भी एक आधा टाइम ऐसा आता था साल में जब 6 महीने में एक साल में घर वाले सिर्फ एक दिन के लिए कहीं चले जाते थे, तब 10/10 के रूम में 20 बच्चे इकट्ठे बैठकर पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। वो तब होता था जब हम लाते थे एक वीसीआर, पान वाले से स्पेशल वाली सीढ़ी जिसमें 20-25 सीन इंग्लिश हिंदी मिक्स, उसके बाद जब दरवाजा खुलता था तो ऐसा लगता था मोहल्ले में कि 1000 बच्चे निकल कर आए हैं उस कमरे से। अच्छा जब ये सब चल जाती थी कहानी तो मूवी शुरू होती थी, और 9 बजे का टाइम होता था सबसे डेंजरस टाइम, जब आते थे एड कॉन्डोम के, कॉन्ट्रासेप्टरी पिल्स के, मालाडी के, और मस्ती था कॉन्डम, मस्ती ने बनाया मैं मर्जी का मालिक, वो घोड़ा दिखाते थे इसमें। हम सब भाई बहन कमरे के अंदर बैठे होते थे, जैसी हमने वो घोड़ा देखा हम घोड़े की तरह भार, मतलब किसी को कुछ काम याद आ गया, किसी को किससे मिलना है, किसी का कुछ किसी का के, मतलब 5 मिनट के लिए भार, और फिर 5 मिनट बाद अंदर, इतनी तो इज्जत थी ना। अच्छा ये टीवी के चैनल जो है ना अपने आप चेंज हो जाते थे, वो टीवी का चैनल चेंज हो गया और अभी वहां पर चालू हो गया हमारा गब्बर सिंह का प्रोग्राम, शोले के गब्बर सिंह, वो लगे हैं मतलब मुर्गी के ऊपर, ए, 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 मुर्गी आपको हमको अंडा दे दे रे, ए, 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 मुर्गी हमको एक अंडा दे दे रे, मुर्गी ने एक अंडा दे दिया,
गब्बर फिर लगा है, दिल्ली भरा गब्बर का, ए मुर्गी ए मुर्गी एक हमको और अंडा दे दे रे, ए मुर्गी एक और अंडा दे दे रे, दे 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 दे। मुर्गी बोली, गब्बर मैं मुर्गी नहीं मुर्गा हूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैव अ नाइस टाइम।